lecture we see the organic chemistry chapter. C2 पेपर काम में चैप्टर देखा, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid, यह हमने पढ़ा है. Today we start the new C1 chapter. C1 पेपर का जो चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स. तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज है इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन नेट जेई एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लार्ज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET and NEET examination. So it is very necessary to learn this chapter. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नहीं है शारदा सुरवा से. तो चलो हम आज इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे. वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इन इंट्रोडक्शन वी सी द थर्मो. थर्मो का मीनिंग है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स फ्लो, साइंस ऑफ मोशन, फ्लो एंड ट्रांसफर. मतलब यहाँ पे हम जो हीट का जो फ्लो होने वाला है और जो ट्रांसफर होने वाला है उसकी पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो हम देखते हैं कि फर्स्टली वी शो द, हमको अगर कौन सा भी काम करना चाहिए तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए. विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी वर्क. हेंस इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ऑक्यूपाई दिस एनर्जी. इसलिए हमारे पास एनर्जी होना बहुत जरूरी है. अगर हमको घर वालों ने बोला ये काम करो वो काम करो तो समटाइम्स वी आर सो टायर्ड, हम बहुत थके हुए होते हैं और हम वो काम नहीं कर पाते बिकॉज देर इज लेस एनर्जी इन आवर बॉडी. उस टाइम पे हम क्या, जब हमारे पास कम एनर्जी रहती है इसलिए हम वो काम नहीं कर पाते. तो यहाँ पे भी सिमिलरली क्या है, हमको एनर्जेटिक्स की भी पढ़ाई करनी है और थर्मोडायनामिक्स. थर्मो मतलब यहाँ पे जो थर्मो का मीनिंग है हीट. तो हीट इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. थर्मो मीन्स हीट, इसका मीनिंग है हीट. एंड देन डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स इसका मतलब है साइंस ऑफ फ्लो, साइंस ऑफ फ्लो, ट्रांसफर और मोशन भी हम इसे कहते हैं. मतलब यहाँ पे हमको जो हीट है उसका फ्लो कैसे होता है, उसकी ट्रांसफर कैसी होती है और उसका मोशन कैसा होता है, ऑल वर्ड्स आर सिमिलर. ये सब वर्ड्स क्या है, सिमिलर. सबका मीनिंग क्या है, एक ही है. तो यहाँ पे हमको हीट की, हीट एनर्जी की अनदर एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होती है यही हमको पढ़ाई करनी है. तो हमारे इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स. तो आपको पता है व्हाट इज द एनर्जी, आपको एनर्जी की पढ़ाई करनी है तो पहले आपको एनर्जी क्या है ये भी मालूम होना चाहिए. एनर्जी क्या है, एनर्जी इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. मतलब हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है काम करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. तो एनर्जी आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है क्योंकि इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्न दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इट बिकम कॉन्स्टेंट. ये क्या है, कॉन्स्टेंट है. मतलब एनर्जी हम बनाते भी नहीं और उसे हम खत्म भी नहीं कर सकते. सिर्फ एनर्जी का वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है. यह आपने देखा कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इन सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, जो सनरेज से जो एनर्जी आती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इन टू द, मतलब जो लाइट एनर्जी आती है इसका कहाँ से कहाँ पे कन्वर्जन होता है, हीट एनर्जी में. इन सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, हमारा जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. कैसे हो जाता है, यूजिंग द सोलर एनर्जी. तो सोलर के जो सनरेज आते हैं दिस इज अ लाइट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द हीट एनर्जी. ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. देन आयरन ये क्या, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. यहाँ पे भी क्या होता है, जो आयरन हम यूज करते हैं दिस इज यूज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ पे होता है, वहाँ पे भी हीट एनर्जी में होता है. एंड सेम इन द बल्ब में भी क्या होता है, बल्ब में भी क्या होती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है. दिस इज द लाइट एनर्जी एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी का
जो कन्वर्ट आता है उससे हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या होता है, वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी बनाते भी नहीं और डिस्ट्रॉय भी करते नहीं, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या रहा सिर्फ एनर्जी के बारे में। तो आपको पता है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई करते समय हमको थर्मोडायनामिक्स क्या है ये तो पता होना चाहिए। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स साइंस ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफर ऑफ मोशन। ये सिर्फ वर्ड का मीनिंग है बट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, थर्मोडायनामिक्स मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, it is the quantitative relationship between heat and other forms of energy, heat and other forms of energy। ये हुआ हमारी definition of thermodynamics। thermo means आपको पता है heat and dynamics means science of flow of transfer or motion भी हम इसे कहते हैं, this all words are similar। तो thermodynamics की definition क्या है, it is the study of quantitative relationship between the heat and other form of energy। तो हमें यहाँ पे जो heat energy use करने वाले हैं उसकी transfer कौन कौन से energy में होती है उसकी पढ़ाई करनी है, तो इसे हम कहते हैं thermodynamics। again what is the chemical thermodynamics, chemical thermodynamics क्या है, it is also the branch of thermodynamics। chemical thermodynamics क्या है, it is the branch of thermodynamics which deals with the study of, which deals with the study of energy changes accompanied by chemical changes। यहाँ पे क्या है, the study of, it is the branch of thermodynamics which deals with the study of energy changes। chemical thermodynamics क्या है, energy changes is accompanied by, accompanied by chemical changes, not physical, chemical changes। ये हुई हमारी definition of chemical thermodynamics। What is the chemical thermodynamics? This is the branch of thermodynamics which deals with the, which deals with the study of energy changes is accompanied by chemical changes। मतलब हम यहाँ पे जो भी energy change use करने वाले हैं वो कौन सी है, thermo means heat energy है, उस using this heat energy what chemical changes happen in this particular reaction, in particular reaction में कौन से chemical changes हो जाते हैं, तो इसकी पढ़ाई हम कहाँ पे करने वाले हैं, chemical thermodynamics। आपको देखा होगा in according to law of conservation of energy we see the any physical changes in nature, photochemical reaction it is also physical changes happen in nature, then another is the इन सोलर वाटर हीटर, ये भी देखा। तो ये क्या डे बाय डे हम जो एनर्जी चेंजेस दिखते हैं इन बल्ब और इन आयरन और रिवॉल्विंग ऑफ फैन, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एनर्जी चेंजेस, दैट इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये रहे हमारे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसकी डेफिनेशन। बट समटाइम्स हम जो हीट एनर्जी यूज करते हैं वहां से सम केमिकल चेंजेस आर आल्सो हैपन इन नेचर, दिस इज फाउंड इन द केमिकल। उसका फर्स्ट एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वहां पे भी हीट एनर्जी बाय यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट से जो सनरेज आते हैं वो लाइट एनर्जी हम यूज करते हैं, और यूजिंग दिस एनर्जी द प्लांट इज पॉसिबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। इसीलिए प्लांट उसका खुद का फूड खुद बना सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ सम एनर्जी एंड सम ऑक्सीजन इन द एयर, रिवॉल्व करके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वहां पे बनता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द, this type of reaction is happening chemical thermodynamics because there happen energy changes is accompanied by chemical changes। मतलब वहाँ पे जो भी water, using the water and CO2 in air, air का जो CO2 use करते हैं plant by absorbing the CO2 and removal of oxygen into the air, ऐसी वो reaction होती है। तो using this heat energy there is happen some chemical changes। So वो हमारा first example। second है acid base reaction।
जो भी हम एसिड बेस रिएक्शन स्टडी करते हैं वहाँ पे भी क्या है, यूजिंग द हीट एनर्जी देयर इज हैपन सम केमिकल चेंजेस, वहाँ पे भी सम केमिकल चेंजेस होते हैं। देन नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज हैपन ड्यू टू ओनली द केमिकल थर्मोडायनामिक्स। हम यही पे यही केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लॉ यूज करके ही ये रिएक्शन हैपन होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है, जो हम यूज करते हैं रिमोट में, रिमोट एंड में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हम सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं। रेडियो एक इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम वहाँ पे यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं। और जो बच्चों की जो गाड़ियाँ होती है खेलने के, टॉयज जो रहते हैं खेलने के खिलौने, उसमें तो बहुत सारे सेल हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये रहा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वहाँ पे भी क्या है, बाय यूजिंग दिस हीट एनर्जी को हम केमिकल चेंजेस में अप्लाई करते हैं। एंड देन अनदर इज द वहाँ पे भी क्या रहता है सेल में, एक टू रॉड्स रहते हैं, वन इज एनोड एंड अनदर इज अ कैथोड। ऑन वन रॉड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, अनदर रॉड का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, एंड देयर इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो हैपन द केमिकल चेंजेस बाय यूजिंग द हीट एनर्जी। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी चेंजेस इज ऑफन पॉइंट बाय द केमिकल चेंजेस। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। But there are also all terms we are using in thermodynamics. Thermodynamics में all terms हम use करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से term use करने वाले हैं। तो specially the system. What is the system? ये जो term है, this term is also used in thermodynamics. Thermodynamics में this term are very important. फर्स्ट इज द सिस्टम, सेकेंड है सराउंडिंग, नेक्स्ट थर्ड इज अ बाउंड्री, एंड फोर्थ इज अ फेज। दिस ऑल टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। विदाउट दिस टर्म वी कांट लर्न केमिकल थर्मोडायनामिक्स से चैप्टर हम लर्न नहीं कर सकते, इसीलिए दिस ऑल फोर टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। दिस टर्म विल शो इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।